बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि गर्मियों की सौगात है। भिंडियाँ बच्चों को भी तकरीबन बहुत पसंद होती है, बड़ों को भी बहुत पसंद होती है। तो ये रेसिपी, मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है और बहुत चटपटी बनने वाली है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें, ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने भिंडी को अच्छी तरह से वॉश किया है और इसे पंखे के नीचे रख दिया था ताकि ड्राई हो जाए, इसके अंदर पानी ना रहे, इसके ऊपर थोड़ा सा भी। तो ऊपर और नीचे वाला पार्ट हम इस तरह से भिंडी का काट देंगे, दोनों साइडों से हम ये वाला पार्ट काट देंगे। हम सारी में आपको काट के दिखाती हूँ। अब मैंने सारी भिंडियों को इस तरह से काट लिया है, कट कर लिया है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो पक्की भिंडी थी, जो सख्त वाली थी, ये हमने नहीं डालनी है, चाहे कितनी भी महंगी हो, क्योंकि शुरू शुरू में आती हैं तो बहुत महंगी होती हैं। तो हमने ये सख्त वाली भिंडी नहीं डालनी है, ये गलेंगी नहीं, कितना भी आप इसको पका लें नहीं गलने वाली है। अब इसको हम इस तरह से कट करेंगे गोल शेप में, एक साइज़ की काटनी है हमने, छोटी बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम छोटी बड़ी करेंगे तो कोई भिंडियां बिल्कुल गल जाएंगी और कोई भिंडियां कच्ची रह जाएंगी, एक जैसी फ्राई नहीं होने वाली हैं। तो इस तरह से हमने एक ही साइज़ की भिंडी काटनी है। अब ये सारी भिंडी मैंने कट कर ली हैं, बिल्कुल ड्राई है, पानी का ज़रा सा भी नहीं है इसमें। इस तरह की ड्राई होंगी तो आपकी भिंडी बहुत ही अच्छी बनेगी। पैन में हमने ऑयल डाल दिया है, ऑयल हमने इतना ही डालना है जितनी भिंडी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि फ्राई करना है। हमने ऑयल को गरम कर लिया है, गरम करके थोड़ा सा लो कर देना है, मतलब के मीडियम से थोड़ा सा कम करना है, ताकि भिंडी जले ना और क्रिस्पी हों। अब इसको हमने ऊपर नीचे करते रहना है, क्योंकि ऊपर नीचे हम नहीं करेंगे तो कोई भिंडी जल जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, और कोई भिंडी कच्ची रह जाएगी, ग्रीन कलर की रह जाएगी। तो इस तरह से हमने लो फ्लेम करके इस तरह से पकाते रहना है। देखें आप, इसमें पानी नहीं था तो नीचे बिल्कुल भी भिंडी नहीं लगी है, इस तरह की ड्राई होनी चाहिए। अब थोड़ा सा फैला के हमने थोड़ी देर छोड़ दिया है, तकरीबन एक मिनट। उसके बाद दोबारा से हमने मिक्स करना शुरू कर दिया है। अब आप चाहें तो शुरू में ही नमक डाल सकते हैं, मैं थोड़ा भूल गई थी तो मैंने अभी डाला है नमक। इसको थोड़ा सा क्रिस्पी होने में अभी टाइम है इसमें, तो मैंने हसबे जायका नमक डाल दिया। फ़ौरन से आपने मिक्स करना शुरू कर देना है फिर दोबारा से, कि जब तक ये भिंडी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। देखिए ये क्रिस्पी हो चुकी हैं, भिंडी थोड़ी सुकड़ चुकी हैं, छोटी साइज़ की हो चुकी हैं, पक चुकी हैं, जली नहीं हैं, थोड़ी सी लाइट ब्राउन हुई हैं। यहाँ पर हमने एक अदद टमाटर डाल देना है, क्योंकि भिंडी के हिसाब से डालना है। एक बड़ी साइज़ का हरी मिर्च थी और लाल मिर्च मैंने हाफ टेबल स्पून डाली है अपने हिसाब से, 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर डाला है। अब इसे दोबारा से, अब हमने मीडियम से भी लो कर दिया है फ्लेम को, क्योंकि भिंडी तो क्रिस्पी हो चुकी हैं, बस हमने टमाटर को गलाना है और इस मसाले को पकाना है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहना है, भिंडियों को एक साइड में करके, और हमने टमाटर को थोड़ा सा चम्मच या कपगीर जिसे भी आप पका रही हैं उससे थोड़ा सा मैश करना है, कूटना है इसको, ताकि जो है टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। अब इसी तरह से हमने लो फ्लेम पे करते रहना है। तो आप यकीन करें, इतनी मज़ेदार यह भिंडी बनेगी कि आपको बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगी, जिसे भी आप खिलाएँगे उसे बहुत पसंद आने वाली हैं ये भिंडी। देखें टमाटर अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं और ये भिंडी बहुत ही ज़बरदस्त पक चुकी हैं, खाने में भी इतनी लजीज हैं, बहुत ही मज़ेदार बनी है ये भिंडी। आप ज़रूर बनाइएगा, इसे बनाना भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये भिंडी जब आप बनाएंगे आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाली हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से मज़ेदार भिंडी बनके तैयार हो चुकी हैं। थोड़ी सी देर में इतनी मज़ेदार भिंडी बहुत ही चटपटी और जायकेदार बनी है, ये बच्चों को और बड़ों को बहुत ही अच्छी लगने वाली है और थोड़े से मसाले में बनी है। ज़रूर बनाइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।